नमस्कार। आज हम आप सबको लिए चलते हैं वृंदावन। वृंदावन जो पूरे विश्व का वो स्थान जहाँ पे स्वयं श्री कृष्ण जी ने अपनी रास लीलाएं रची। वृंदावन भारत भूमि के मानचित्र पे एक ऐसा जगह जहाँ पे आध्यात्मिकता से सभी आत्माओं को ओतप्रोत कराते हैं। उसमें एक महान संत जो आप सब जानते भी होंगे, श्री बाबा नीम करौली जी महाराज। नीम करौली जी महाराज के विषय में जितने भी व्याख्या की जाए, उनकी महिमा मंडन की जाए, ये बहुत ही कम है। क्योंकि बाबा नीम करौली महाराज के भक्त न भारत में, पूरे विश्व में है। पूरे विश्व में बाबा नीम करौली महाराज जी का आश्रम है और इनके भक्त के रूप में अगर बात कहूँ तो स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, जलिया रिवर्ट, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और ऐसे महान दिग्गज भी परम आदरणीय परम श्रद्धेय बाबा नीम करौली महाराज के भक्त रहे। आज उनके ही आश्रम बाबा नीम करौली आश्रम समाधि स्थल पे लिए चलते हैं, जहाँ पे बाबा की शरीर को यहीं पे अंत्येष्टि किया गया था, पांच तत्व में विलीन किया गया था। ये समाधि स्थल है बाबा का। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भाव से जब यहाँ आते हैं, उनके हर एक भावनाएं परिपूर्ण हो जाती है। बाबा हनुमान जी के अवतार पांच तत्वों के ऊपर कंट्रोल किए जाने वाले ऐसे महान 20वीं सदी के संत हैं। मैं पिछले कुछ वर्षों से बाबा नीम करौली महाराज की कृपा पात्र बनता जा रहा हूं और मैंने ये अनुभव किया कि बाबा नीम करौली महाराज के यहाँ पे जो कोई भी आता है वो कुछ न कुछ ऐसी चीजों का अनुभव करता है जो उसे पर्सनल माइंड से यूनिवर्सल माइंड तक लेके जाता है। इसी संदर्भ में हमारे परम पूज्य श्री तनशंकर शर्मा जी, जो कि बाबा नीम करौली महाराज जी के साथ बहुत लंबे समय तक रहे और अभी 3 जून 2019 को उन्होंने भी अपनी पुराने शरीर को छोड़ वतनवासी बन गए। कहा जाता है कि आपने इस संसार को जानने से पूर्व स्वयं को जानना बहुत आवश्यक है। स्वयं अर्थात मैं कौन, मैं माना वो कौन सी सत्ता, वो कौन सी सत्ता जिस मैं को चला रही है, शरीर को चला रही है, अर्थात वो अविनाशी सत्ता आत्मा। जब हम पर्सनल माइंड से यूनिवर्सल माइंड की तरफ बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारी चेतना उस ब्रह्म के साथ में जुड़ जाती है। अब कहा जाता है, रामायण में भी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, जहि जानत तहि तेहि जनाई, जहि जानत तहि सम हो जाई। अर्थात संत को जानने वाले, परमात्मा को जानने वाले भी इस संसार में संत के समान हो जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबसे भी निवेदन कहूंगा कि आप बाबा नीम करौली आश्रम में जरूर जाएं और वहां के वातावरण को, यहां के समाधि स्थल को, यहां के कुटिया के स्थल को, यहां के एनर्जी को आप फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपके रोनाटे खड़े हो जाएंगे कि क्या है वह आध्यात्मिक शक्ति जिस शक्ति से आत्मा का चरित्र और मानसिक
चिंतन का एक नया आवरण सा खड़ा हो जाता है। आज पूरे विश्व में फेसबुक नाम सोशल मीडिया के जगत में काम करने वाले व्यक्ति मार्क जुकरबर्ग जब 2006 या 7 में बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, तो मार्क जुकरबर्ग कैंची धाम आश्रम में आए थे और वो स्टीव जॉब्स के कहने से आए थे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में उनका मिलन हुआ, तो इन्होंने इस मीटिंग में जिक्र किया कि मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ बाबा नीम करौली महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से हूँ। जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है, किसी न किसी का मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। अगर मार्गदर्शन नहीं है तो ऐसे जैसे इंसान बिना डोर का हो, बिना पतंग डोर का हो, तो इसका क्या महत्व रह जाएगा। कहा भी जाता है गुरु की संज्ञा सर्वोपरि है। गुरुड़ ब्रह्मा, गुरुड़ विष्णु, गुरुड़ देव महेश्वर, गुरुड़ साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवै नमः। अर्थात स्वयं को उस ज्ञान और विज्ञान में समाहित करने से पूर्व अपने गुरु को समझना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन वो कौन सा गुरु, वो कौन से भक्त, गुरु और शिष्य के बीच में वो कौन सा समन्वय, कौन सा संबंध, इसको जानना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप सब से एक ही निवेदन करूंगा कि आप भी बाबा नीम करौली आश्रम पधारें और यहाँ के आध्यात्मिक चेतना से अपने अंतर्मन को ओतप्रोत करें। अब आपको लेके चलता हूँ महाराज जी की कुटिया, जहाँ पे महाराज जी बैठते थे और बैठ करके लोगों को, ये महाराज जी का कुटिया है यहाँ पे। नमस्कार, आपका शुभ नाम सोनू जी, सोनू जी यहाँ पे रहते हैं। सोनू जी आप आइए, कुछ बताना चाहेंगे बाबा जी के विषय में। आपने जो सुना है अभी तक, क्या सुना है बाबा जी के विषय में कुछ तो बताइए। यहाँ पे क्या करते थे बाबा? बैठते थे, फिर लोग को आशीर्वाद देते थे। बाबा नीम करौली जी महाराज यहाँ से आशीर्वाद देते थे, जिससे लोगों के जीवन में, ये बाबा की कुटिया है, उसको देख सकते हैं। आइए अजी, बाबा, ये बाबा की कुटिया है जहाँ पे बाबा विश्राम भी करते थे और लोगों से सामूहिक रूप में मिलते भी थे। सिर्फ रूपांतरण हुआ है फिजिकल फॉर्म से इनवर्सल फॉर्म में, हम भी ऐसी स्थिति को अनुभव कर सकते हैं। बाबा, मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबा हर पल हमारे साथ साथ है। बाबा हर एक पल हमारे साथ साथ है। इस स्लोगन को आप देख सकते हैं, एब्सोल्यूट फेथ इज द थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शन ऑफ द गुरु इज द रियल गुरु भक्ति। यानी कि एब्सोल्यूट विश्वास, यानी कि ऐसा विश्वास जिस विश्वास के बाद कोई विश्वास ही न हो, अगर ऐसे विश्वास पर आपको अपने गुरु के अंदर है तो आप ये समझें कि आपका हर एक कार्य हुआ पड़ा है। यहाँ पे सिद्धिमय जो बाबा की बहुत ही अनंत भक्तों में से एक थी, सेवाधारी थी, समर्पण था। आप सिद्धिमय ने भी अपनी पूरी जीवन आध्यात्मिक और समाज सेवा में समर्पित कर दिया। मैं आपको भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप उनकी सहेली थी, आपने भी अपनी पूरी जीवन समाज सेवा में लगाया। चलो अब चलते हैं बाबा जी के राम राम।
बचिया, आप तो रहे ना बाबा जी मुरली के साथ। नाम क्या है? सतीश कुमार। सतीश कुमार शर्मा जी जो बाबा नीम करोली महाराज के साथ अपनी सेवाएं 20 साल तक आपने बाबा के साथ वैसे आप यहाँ पे 20 साल से यहाँ 12 साल 7 साल नीम करोली बाबा का जन्म स्थान अकबरपुर टूला फरोजाबाद के बीच में पड़ता है, वहाँ के बाबा रहने वाले और बाबा ने भ्रमण हर जगह किया लेकिन तपस्या नीम करोली फरक्काबाद जो जगह पड़ता है वहाँ इन्होंने तपस्या की। 1904 में गए और 1934 तक वहाँ पर इन्होंने हनुमान जी की तपस्या करके स्वयं एक पेड़ के नीचे पत्थर की शिला पर गाय के गोबर और मिट्टी से बनाया, गाय के गोबर और मिट्टी से आज भी वो विग्रह बनी हुई है, विग्रह बनी हुई है जी की विग्रह बनाए। वो गंगा जी चले गए, उनका भी गंगा जी चले गए और गंगा जी जाने के बाद वो लौट रहे थे ट्रेन में बैठ कर तो वो गाड़ी उस जगह पर रुकती है जहाँ बाबा ने विग्रह बनाई थी, विग्रह बनाई थी वहाँ पर चेकिंग हुई, बाबा पर टिकट नहीं थी, बाबा को उतार दिया वो पेड़ के नीचे बैठ गए, गाड़ी फोरमैन इंजीनियर आए वो गाड़ी को ठीक ही नहीं कर पाए। फिर जब सब लोगों ने कहा बाबा देखो बाबा बैठा है इसने कहीं शराब तो नहीं पी लिया, अरे सब लोग गए बाबा चलो गाड़ी चल रही है, बाबा बुला के लेके आए, बाबा पैर रखा डिब्बे पर नहीं गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट, बाबा हम तो सुबह से परेशान है गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, बोला चल स्टार्ट कर, अरे स्टार्ट हो गए जब दूंगा सब जो पैसेंजर नीचे उतर के आए बोले कि अरे ये बाबा तो माँ इलाहाबाद था, अरे बाबा ये कानपुर था, पर ये तो चर्चलैन पर था, ये कहाँ से है। जब ही उन सब लोगों ने नीम करोली वो एक गाँव है उसके नाम पर उन्होंने जय करवाया, बोल नीम करोली महाराज की जय। जब उन्होंने पूछा रेल वालों से क्या चाह, बोले तुम नौकर आदमी क्या दोगे, बोले जब पीछे पड़ रहे हो पैसा करो स्टेशन पर, फिर वहाँ पर वो चार गोष्ठी करी, बोले 11 किलोमीटर के बीच में दो स्टेशन है ये स्टेशन असंभव, तब लगे साले गाड़ी सुबह से शाम तक खड़ी रही या परेशान हुआ, आप कृपा हुई जो खड़ी रहे हैं। जब फिर उन्होंने कहा अच्छा बाबा देखो हम एक हॉर्न बना देते हैं जो एक्सप्रेस गाड़ी भी वहाँ रुके नीम करोली में, तो नीम करोली में अपना आश्रम है वहाँ, अरे बहुत बड़ा आश्रम। अच्छा ठीक है तो अब वो कहेंगे वहाँ भी क्योंकि मैं सभी आश्रम में वो तप स्थल गए। अच्छा वहाँ बाबा ने तपस्या की, तो वहाँ पे भी रहने वगैरह का पूरा व्यवस्था है। हाँ 30 साल लेकिन हाँ मैं कह नहीं सकता आप नाते हैं। हाँ तो वहाँ रोक सकते हैं कि नहीं, वैसे 30-40 कमरे हैं, 30-40 नहीं फिर भी बाहर वैसे तो व्यवस्था हो जाता है। हाँ व्यवस्था गांव है या। और कैसे हम जाते हैं परसों निकल गए थे हम, आप मुझे नहीं पता नहीं गाड़ी में वहाँ बीच में देखा बताए और शैनपुरी करी, शैनपुरी करने के बाद बाबा पता नहीं